नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है नमामि होम्यो आलय। तो दोस्तों, आज 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमन सर का आज जन्म हुआ था। 10 अप्रैल 1755 में जर्मनी में उनका आज के दिन जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को विश्व होम्योपैथी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो दिन है हमारे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि रेस्पेक्टेड डॉक्टर हैनीमन सर का बर्थडे है और उनका जीवन हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को देता है। क्योंकि उनकी यदि हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, उनको समझें कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और किस कंडीशन में उन्होंने होम्योपैथी के बारे में सोचा, और ये सब जानने के लिए उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो नॉन मेडिको हैं जो होम्योपैथी के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या ना भी रखते हो तो उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर हैनीमन ने जो उनके माइंड में आया होम्योपैथी के बारे में, वो एक आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं। क्योंकि डॉक्टर हैनीमन सर ने 1779 में एमडी एलोपैथी में एमडी किया, इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और 1790 तक उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो उनके टाइम के पहले जो समय था, उस समय जो प्रैक्टिस था, जो एलोपैथिक प्रैक्टिस या मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, या जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था, वो बहुत ही पेनफुल और हार्मफुल था। तो वो उस बात से सेटिस्फाई नहीं थे। तो जैसा कहा गया है, किसी बड़े आदमी ने कहा है कि अनसेटिस्फेक्शन गिव्स बर्थ टू जीनियस। तो वही जो अनसेटिस्फेक्शन था, उसी से एक जीनियस का बर्थ हुआ, डॉक्टर हैनीमन सर। यदि आप हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखेंगे कि बिफोर हैनीमन टाइम, जो प्री हिस्टोरिक टाइम मेडिसिन का है, उस टाइम जो ट्रीटमेंट का वे था बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और हार्मफुल था। उस टाइम देयर इज़ नो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, ना तो कोई क्लासिफिकेशन था ना कोई नाम था। तो डॉक्टर हैनीमन सर ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम्योपैथी का डिस्कवरी किया, उन्होंने बहुत सारी बातें फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, पहली बार उन्होंने इस दुनिया को कुछ चीज़ों से अवगत कराया, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, कॉजेज ऑफ डिसीज़, जो कि अभी तक लोग नहीं समझ पाते हैं उतना उन्होंने, या फिर जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो हेल्दी ह्यूमन बींग पर प्रूफ करना। तो उनको नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, नॉलेज ऑफ बॉटनी बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने ये सब बातों के बारे में डिस्कवरी किया, होम्योपैथी का डिस्कवरी जो की है। तो उस समय जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन यदि हम पढ़ते हैं, तो सिर्फ दो बातें थी, कोई ना तो क्लासिफिकेशन था डिसीज़ का और ना कोई नाम था। तो उस समय जो डिसीज़, जो बीमारी होती है किसी को, तो उसके बारे में ये धारणाएं थी कि जैसे किसी को कोई बीमारी हुई है तो ये माना जाता था या तो उसने कुछ क्राइम किया है, कुछ पाप किया है, इसलिए गॉड ने उसको पनिशमेंट दिया है, या फिर ऐसा माना जाता था कि इसके अंदर एक बुरी आत्मा आ गई है, भूत आ गया है, तो उसको निकालने के लिए तांत्रिक लोग होते थे, या फिर गॉड ने उसको पनिशमेंट दिया है तो फिर उसके भी कुछ तरीके होते थे। और जैसे किसी को फीवर आया उस टाइम, तो कहते थे उसके बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया, तो लीच जो होता है, एक जंतु होता है, उसको बॉडी पे चिपका देते हैं तो वो पूरा ब्लड को शक कर लेता है, तो ह्यूमन बॉडी से पूरा ब्लड को वो चूस लेता है। तो उस पेशेंट को जिसको फीवर है, उसको बांध दिया जाता था रस्सियों से और उसकी बॉडी पे लीच चिपका दिए जाते थे, और जब तक वो ब्लड को शक करता था तब तक कि उसका फीवर डाउन ना हो जाए। तो इस टाइप का जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमन सर ने सोचा कि वैसे ही जो पेशेंट है, जो डिसीज से सफ़र कर रहा है, वो ऑलरेडी पेन
में जी रहा है, दर्द उसको ऑलरेडी हो रहा है, और फिर उस टाइम यदि हम उसको जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो यदि रैशनल नहीं है, पेनलेस यदि होगा तो ज़्यादा फायदा होगा, यदि उस टाइम भी हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी यदि पेनफुल है तो उसको जो पेन है डबल हो जाएगा। तो इन सब बातों को सोचकर डॉक्टर हनीमन सर ने एलोपैथिक प्रैक्टिस करना बंद किया क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड थे। फिर उन्होंने सारे ये जो एक सोचा माइंड में आया कि मुझे एक ऐसी पैथी बनाना है जो पेनफुल ना हो और विदाउट एनी साइड इफेक्ट पेशेंट को ट्रीट करे। तो इस पैथी के बाद के लिए ग्रैंड सैल्यूट टू डॉक्टर हनीमन सर। और होम्योपैथी के बारे में जितनी भी धारणाएं हैं जो लोग मानते हैं कि बहुत स्लो पैथी है, यदि कुछ लोग कहते हैं या इमरजेंसी हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो इसी वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अवसर पर मैं होम्योपैथी के बारे में जितनी भी धारणाएं लोग सोचते हैं गलत सोचते हैं तो उसको मैं आगे आपको उसके बारे में बताते रहूँगा। तो आप सब एक ही वीडियो में तो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए आपको आगे की बातें भी होम्योपैथी से और डॉक्टर हनीमन सर से जुड़ी हुई बताऊँगा। तो सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व होम्योपैथी दिवस की। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें, विदाउट साइड इफेक्ट और विदाउट एनी पेनफुल ट्रीटमेंट आप ठीक हों। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।